तो हेलो गाइस, आज की न्यू वीडियो में आपका बिल्कुल स्वागत है। तो जैसा कि पिछले साल हमने मोनोफिल गोल्ड को सबसे पहले अनबॉक्स किया था, तो आज भी हम मोनोफिल गोल्ड को अनबॉक्स करेंगे। और ये देखो असली की निशानी, वही नॉट यूज फॉर काइट फ्लाइंग और ऊपर लिखा हो मोनोफिल गोल्ड, ठीक है। तो अब इसको अनबॉक्स करेंगे और ये हमारे पास ब्राउन रंग की है। इसका प्राइस क्या पड़ा, कहाँ से ली और कितने ग्राम की है, अगर आप ये सब जानना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और मैं उस पर सब कुछ बताता रहता हूँ और काफ़ी एक्टिव रहता हूँ। तो जल्दी से जल्दी पहले फॉलो कर लीजिए जाके। तो अब इसको करते हैं अनबॉक्स, ठीक है। तो ये रही दोस्तों हमारी मोनोफिल गोल्ड ब्राउन रंग की, ठीक है। तो अब इसका सिरा ढूंढते हैं और ये सिरा मिल गया। अब इसको खोल के दिखाते हैं। मुझे ये सिरा खोलने में देखो बहुत ज़्यादा पतली डोर लग रही है, और क्योंकि पिछली बार तो बहुत ज़्यादा मोटी थी, तो इस बार इन्होंने काफ़ी पतली डोर दी है और कांच दोनों साइड पे बराबर दी है। तेज धार वाली ये डोर है। अगर आप इसे बड़ा पतंग भी चढ़ा सकते हैं, ठीक है, 5-10 वाला भी चढ़ा सकते हैं। ये कोई मतलब टूटने नहीं वाला, क्योंकि पिछली बार के जो मोनोफिल गोल्ड थी वो मोटी थी, उससे वो बड़ा पतंग कई बार टूट जाता था, जैसे अगर आप अचानक ही खींच मारते थे, तो ये नहीं टूटने वाली, ठीक है। और अब इसको थोड़ा सा तोड़कर देखते हैं कि इसके बेंड पड़ते हैं नहीं पड़ते। देखिए अब मैं इसको स्ट्रेच कर रहा हूँ, ठीक है, अब ये स्ट्रेच भी नहीं हो रही, ठीक है। नॉन स्ट्रेचेबल डोर बहुत अच्छी होती है। और अब इसको तोड़ के देखें, ये देखिए एक भी बेंड नहीं पड़ा, ठीक है, तो कोई भी स्प्रिंग से नहीं बने, तो बहुत अच्छी डोर है। और मैं आपको वैसे सुजेस्ट नहीं करूँगा लेने के लिए, बस मैंने आपको इसका रिव्यू किया है। अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी लाइक करो और 100 लाइक्स का एम रखते हैं। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। ये तो वैसे ही कैजुअल सी वीडियो बनाई थी, आगे से प्रॉपर व्लॉग और मतलब मैं अपना फेस कैम भी दिखाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।